ऊपर आए हैं, अब यहाँ एक आग जलाई हुई हमने और यहाँ पे हम सब लोग मौजूद हैं और हमें पता नहीं है कि हमारा क्या बनेगा। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर उस्मान सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर से। कुम्हराट में हमारा ग्रुप बेसिकली आया था इधर फिरने के लिए एक टूरिस्ट कंपनी के साथ। हमें नहीं पता था इधर हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। एक दिन बाद जब बारिश मुसलसल रही है तो दो दिन तक हम इधर पहाड़ के ऊपर, क्योंकि नीचे सैलाब आ गया था, पहाड़ के दोनों साइड पर पानी बहुत ज़्यादा था, तो हम दो दिन तक पहाड़ के ऊपर जो है फंसे रहे हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, खाना पीना और पानी का बंदोबस्त रहा। लेकिन आज आखिरी दिन था हमारे पास, खाने पीने के लिए भी सब कुछ ख़त्म हो गया, पानी भी ख़त्म हो गया। लेकिन अल्लाह के फजल करम से यहाँ की जो लोकल पुलिस है वो आई हमें रेस्क्यू करने के लिए, और अब हम इधर वेट कर रहे हैं, क्या कहते हैं, अब हम इधर वेट कर रहे हैं हेलीकॉप्टर का। इन्होंने भी कांटेक्ट किया, हमने भी आगे कांटेक्ट किया कि हेलीकॉप्टर आएगा तो हमें रेस्क्यू करेगा। उसके अलावा उसके साथ साथ अगर हेलीकॉप्टर इन केस नहीं भी आता तो इन लोगों ने हमारे लिए एक दूसरा रास्ता जो है वो तलाश किया है। ये कह रहे हैं कि हमें उधर से सेफली जो है ये लेकर चले जाएंगे। हमारे साथ 7 से 8 खवातीन भी हैं, बाकी कुछ लड़के भी हैं। बाकी इन लोगों की बड़ी मेहरबानी, कुछ सामान भी हमारे लिए लेकर आए खाने पीने का, तो इंशाल्लाह मैं इन लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा। तो अल्लाह खैर करे, हम खैरियत से अपने घर वापस पहुंच जाएंगे।